शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। Happy birthday to you, happy birthday dear Leela, happy birthday to you. Thank you. Happy birthday. Thank you so much. महेंद्र, आज मेरी बर्थडे पार्टी है, तो इसको और शानदार बनाने के लिए प्यारा सा गाना सुनाओ। अरे नहीं लीला, मैं प्रोफेशनल सिंगर थोड़ी ना हूँ, मैं तो बस ऐसे हॉबी के लिए गा लेता हूँ यार। तो यहाँ पर कौन सा म्यूजिक कंपटीशन चल रहा है? हेलो फ्रेंड्स, ये मेरे दोस्त है महेंद्र जी, और ये बहुत अच्छे म्यूजिशियन एंड सिंगर है, और ये हम सबको एक प्यारा सा गाना सुनाने वाले हैं। सो लेट्स क्लैप ऑन महेंद्र। ये राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में पहला प्यार हो गया, दिल जिगर दोनों घायल हुए, तेरे नजर दिल के पार हो गया। वाओ, वेरी नाइस सॉन्ग। थैंक यू। हाय, आई एम सोनिया। हाय महेंद्र। Nice to meet you. आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं। अरे नहीं, वो तो बस ऐसे ही गाने की हॉबी है, तो थोड़ा बहुत गुनगुना लेते हैं। गुनगुना लेते हैं सिर्फ? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप जब भी गुनगुनाएंगे ना, तो मुझे जरूर बुलाइएगा। जी जरूर बुलाएंगे। कैसे बुलाएंगे आप मुझे? हमने तो नंबर एक्सचेंज भी नहीं किया। हाँ, आप अपना नंबर दीजिए ना। My number. Save. By the way, महेंद्र, ये मेरी दोस्त है सोनिया। तुम लेट हो गई। हमारा इंट्रोडक्शन भी हो चुका है और नंबर्स भी एक्सचेंज हो चुके हैं, है ना? Right? अब लीला मैं चलता हूँ। वो माँ को बताया नहीं है कि मैं यहाँ हूँ, तो वो वेट कर रही होगी। मैं चलता हूँ। Bye. Bye Sonia. Oh, इतना क्या घूर रही है? लाइन उन मार रही है क्या? ना अच्छा गाता है ना, और कितना क्यूट भी है। पता है मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं उसे किडनैप ही कर लूं। किडनैप? साइज देखा उसका, उसे उठाएगा कौन? अरे तू साइज को छोड़ना, सेंटिमेंट्स को देख। फिलहाल तुम ना मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, तो चल पहले खाना खाते हैं, फिर मुझे तेरा सेंटिमेंट समझ में आएगा। चल। नमस्ते आंटी। नमस्ते। मैं
महेंद्र की दोस्त हूँ। अच्छा अच्छा, तुम महेंद्र की दोस्त हो? आओ आओ अंदर आ, यहाँ बैठो। महेंद्र बैठो, बेटा बैठो। महेंद्र महेंद्र, देखो कौन है तुमसे मिलने। हाँ माँ। हाय माँ, ये मेरी दोस्त। हाँ, उसने बताया कि वो तुम्हारी दोस्त है। अच्छा तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं तुम लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। आंटी जी। हाँ। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझसे क्या बात करनी है? आप आइए ना, आइए। बोलो बताओ क्या बात करना चाहती हो? वो आंटी जी। हाँ। मैं महेंद्र से शादी करना चाहती हूँ। अरे वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शादी की बात तो बड़े बुजुर्ग करते हैं ना। हाँ आंटी जी, लेकिन वो क्या है ना कि मेरे पेरेंट्स पहले से अलग रहते हैं, उनका डिवोर्स हो चुका है ना, और बचपन से ही मैं हॉस्टल में रही हूँ, तो मेरी जिंदगी के सारे फैसले मैं खुद ही लेती हूँ। अच्छा महेंद्र, क्या तुम्हें लड़की पसंद है? अब तुम दोनों ही राजी हो तो मैं बीच में क्यों बोलूं? और जिंदगी तो तुम दोनों को एक साथ निभानी है। हा? अच्छा मैं तुम दोनों के लिए मिठाई लेकर आती हूँ, तुम दोनों का मुंह मीठा करूंगी। सोनिया, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। हाँ? तुम सच में मुझसे शादी करना चाहती हो? क्योंकि क्या है ना कि मैं थोड़ा हेल्दी हूं, तो सब लोग मुझसे। महेंद्र तुम जैसे हो मुझे वैसे ही पसंद हो। वो क्या है ना, शेरवानी बहुत टाइट हो रही थी और दम भी घुट रहा था, इसलिए चेंज कर लिया। तुमको भी प्रॉब्लम तो नहीं है ना? सोनिया तुम बहुत ही खूबसूरत, तुम्हें पता है तुमने मुझसे शादी करके मुझ पे बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। अरे प्रेरणा, तू यहाँ कैसे? हाँ
आना अंदर आ। तूने चुपचाप शादी कर ली और मुझे बताया भी। अरे सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे थे ना, ये क्या बताओ। आना तू बैठ बैठ पहले। सबसे पहले तो मुझे बता कि तुझे यहाँ का एड्रेस कैसे मिला। लीला से लिया। हा? वो सब छोड़, ये बता तेरे हस्बैंड कहाँ है और कहाँ छुपा रखा है तूने उनको। मैं कहाँ छुपा कर रखूंगी यार, अभी बुला दी। महेंद्र, महेंद्र बाहर आना तो। हाँ कौन? ये अपने ना, ये मेरे हस्बैंड महेंद्र है और महेंद्र ये मेरी हॉस्टल वाली फ्रेंड है प्रेरणा। हाय। हाय। मैंने तो बोला था कि ऐसे आदमी से शादी करूंगी जिसको देख के सब दंग रह जाएंगे। वाकई तेरे हस्बैंड को देख के सब दंग रह जाएंगे। प्रेरणा तुझे पता ही नहीं कि ये कितना अच्छा गाना गाते हैं और बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं। महेंद्र अब अपना गिटार लेके ना। हाँ मैं अभी लेके आता हूँ। हाँ। अब बैठ ना। सोनिया क्या हो गया तुझे, तू क्या जिंदगी भर इसका गाना ही सुनती रहेगी? तूने इसका मोटापा देखा है कि तेरे अक्कल पे मोटा पत्थर पड़ गया है। तुम दोनों अगर कहीं बाहर भी निकलोगे ना तो लोग हंसेंगे तेरे पे। प्रेरणा ये दिल के बहुत साफ है और बहुत। आजकल की दुनिया में साफ दिल नहीं चलता है, पर्सनैलिटी मैटर करती है। और तू जैसी एम्बिशियस लड़की को ये सब बातें कब से मायने रखने लगी? इट्स योर लाइफ, आई एम सॉरी, बट तूने उससे कैसे शादी कर ली? अगर मैं तेरी जगह होती ना तो कुंवारी रह जाती पर इससे शादी नहीं करती। टेक केयर एंड बाय। अरे अरे प्रेरणा तू, अरे तू रुक तो। अरे प्रेरणा मेरी बात तो सुनो। क्या हुआ? मेरी फ्रेंड चली गई। चली गई? उसे गाना नहीं सुनना था? अरे गाना गया तेल लेने। तुम्हें अपने खाने पे कंट्रोल करना पड़ेगा। तुम्हारी वजह से आज मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। सोनिया अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई भी तकलीफ होती तो आई एम सॉरी। My fault. और ना बोलने के बाद भी अरे सोनिया सुनो तो। अरे जी आप कौन और यहाँ? अरे बहू कौन है? माँ कैसे आप? ठीक हूँ, तू कैसा है? अच्छा तेरी तेरी। खुश रहे खुश रहे खुश रहे। तबीयत ठीक है ना तेरी? सब बढ़िया। तो आप हैं महेंद्र भैया की वाइफ, हमारी भाभी। हाँ बहू ये मेरा छोटा बेटा है अर्जुन, मुंबई गया हुआ था ट्रेनिंग के लिए, है ना? हाँ इन्होंने बताया था। नाइस टू मीट यू। सेम हियर भाभी। वैसे भैया कहाँ हैं? अरे तेरे भैया तो दुकान पे गए हैं ना,
बस अभी आता ही होगा। तब तक आप फ्रेश हो जाओ, मैं चाय बना कर लाती हूँ। भाभी लेकिन मैं दूध वाली चाय नहीं पीता, सिर्फ ग्रीन टी पीता हूँ। आप एक काम कीजिए, मुझे एक कप गर्म पानी दे दीजिए। ठीक है। आजकल हेल्थ कॉन्शियस हो गया ना। हेल्थ कॉन्शियस, एक भाई है जो इतना हेल्थ कॉन्शियस है और दूसरे का तो हेल्थ से लेना देना ही नहीं है। अर्जुन, महेंद्र आ जाओ बेटा, खाना लग चुका है। पता नहीं दोनों भाई आपस में क्या इतनी बातें कर रहे हैं, इतने दिनों के बाद मिले हैं ना, लगता है आज ही सब कुछ पूरा कर लेंगे। बढ़िया बेटा। क्या बना हुआ खाने में? आज तुम दोनों की पसंद का दाल चावल और गोभी की सब्जी बनाई है मैंने। वाह माँ। अरे क्या हुआ माँ, इतना हैवी कौन खाता है रात को? और वैसे भी गोभी की सब्जी रात को नहीं खाते हैं। वो दिन गए जब मैं ये सब खाता होता था रात को। तुम्हारे लिए कुछ और बना लाती हूँ फिर। नहीं अब एक काम करो, मुझे एक कटोरी दाल और बस रोटी दे दो एक। ठीक है। एक मिनट, नहीं, आज से आप भी अर्जुन की तरह डाइट फॉलो करोगे ताकि आप भी फिट रहो। अरे आपको भी आपके छोटे भाई की तरह सेहत का ध्यान रखना चाहिए और ये मोटापा कम करना चाहिए। अरे पर अर्जुन को तो नौकरी करनी है ना, मुझे कौन सी नौकरी करनी है? बाबूजी की कपड़े की दुकान संभालता हूँ, इसे तो शर्म आती है बाबूजी की दुकान पर बैठने में। तो क्या बिजनेसमैन फिट और हेल्दी नहीं रहते? पॉइंट। अर्जुन मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए ताकि कल से ना मैं इनका डाइट चार्ट बनवा सकूं और उसे फॉलो भी करवा सकूं। और हाँ, कल से ना इनका एक्सरसाइज शुरू करना है बस। हाँ भाभी। ये टेंशन ना लो ना, आपका पर्सनल फिटनेस ट्रेनर आया आपके पास। अरे लेकिन बहू वो इतनी जल्दी फिट कैसे होगा मुझे बता। हाँ। अरे मम्मी जी मैं कहा कह रही हूँ कि रातों रात फिट हो जाइए, लेकिन ट्रेनिंग तो शुरू कर देनी चाहिए ना, है ना? इसलिए आपकी ट्रेनिंग आज से ही शुरू, और आप भी अर्जुन की तरह दाल और रोटी खाओ। ठीक है चलो। नहीं मैं कुछ नहीं सुनूंगी, ये लो। अरे एक नहीं बस एक ही रोटी मिलेगी, खाओ। हाँ खा रहे। बड़ी थकान लग रही है यार, अपने लिए कुछ किया जाए। मुझे डर लग रहा है, मैं हूँ ना आपके साथ, भरोसा रखो। कुछ नहीं होगा, देखो धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी, उसके बाद हम एक्सरसाइज बढ़ाएंगे ताकि आप बहुत जल्दी दुबले पतले और स्मार्ट हो जाओ अर्जुन की तरह, है ना? भाभी दो की स्पीड है। अरे हो जाएगा, बढ़ा दो स्पीड। हाँ अरे बहू ये क्या कर रही हो तुम? हाँ क्या कर रही हो तुम? देवर भाभी मिलकर इसे क्यों परेशान कर रहे हो? मम्मी जी आप टेंशन मत लो, ये आपके बेटे को स्मार्ट बनाने का तरीका है। वो थक जाएगा, कुछ नहीं होगा, हम है ना, आप टेंशन मत लो। चलो 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 स्पीड बढ़ा, चलो। वेरी गुड भैया, वेरी गुड। भागो भागो और भागो भागो। देखो मैंने आज पकड़ा हुआ ना, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। अरे क्या बात है, अरे रोक क्यों रहे हो? बस बस बस, अरे हो गया भैया, दो मिनट भी नहीं हुए गिनती के। इतनी जल्दी कैसे थक सकते हो? चक्कर आ रहे हैं। अरे भैया गिनती के दो मिनट भी नहीं हुए। उठो, चलो कुछ नहीं होता, उठो चलो। अच्छा भाभी एक काम करते हैं,
भैया को ना यहाँ पे सफोकेशन हो रही है, मैं बाहर लेके जाता हूँ एक्सरसाइज करा। गुड आइडिया भैया, आओ फ्रेश एयर, फ्रेश एयर आओ। अरे चलो ना, चलो। अरे चाहिए आपको, मुझे फ्रेश एयर लेनी नहीं, लेनी पड़ेगी। कम ऑन भैया, कम ऑन, करो करो करो। ऐसे नहीं भैया, रुको रुको रुको, ये नीचे करो, जस्ट बाहर, अभी नीचे नीचे जाओ। बढ़िया 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 बढ़िया, पुश 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 पुश, ब्रीथ आउट ब्रीथ आउट ब्रीथ आउट, वेरी गुड वेरी गुड। भैया सिर्फ चार और है, सिर्फ चार और, चलो 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 चलो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, पुश करो। अरे भैया दो और रह गए हैं, दो से क्या होगा, करो ना। ध्यान से नीचे, गिर मत जाना, नहीं जा रहा यार। चलो मजा आराम से, मजा आया कि नहीं आया बताओ। मजा नहीं आया यार, दो कदम चलना और आ जाओ, आ जाओ बैठ जाओ यहाँ पे। यार भैया आप ना बिल्कुल वर्कआउट नहीं करते हो, ऐसे चलता रहा तो कैसे फिट होगे बताओ। हाँ ये पकड़ो, मुझे थोड़ा ठंडा पानी दे दो। कोई ठंडा पानी नहीं मिलेगा आपको, ओनली वार्म वाटर विथ लेमन, समझ गए, ताकि आपका फैट बर्न हो जाए। मुझे ये सब नहीं करना है। आपको नहीं करना है लेकिन मुझे तो करना है ना, मैं चाहती हूँ कि आप दुबले पतले हो जाओ, स्मार्ट हो जाओ, समझ गए। होंगे होंगे, फिट होंगे। भाभी मैं फ्रेश होके आया था। अच्छा सुबह वो कबर्ड में टॉवल नहीं था, आपने देखा क्या कहीं पे? हाँ वो मैंने कल धोकर रखा था, तुम जाओ आगे मैं लेकर आती। सोनिया मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, लेकिन भगवान ने मुझे ऐसा बनाया तो अब मैं क्या करूं। अभी क्या हुआ? तो अबे अरे भैया आओ ना, किधर रह गए, लेट हो रहा हूं मैं यार। अर्जुन जल्दी, अर्जुन ये लो, तुम अपना मोबाइल अंदर ही भूल गए थे। थैंक्स भाभी। भैया कहाँ रह गए? बस आ रहे होंगे, तुम्हें तो पता है ना तुम्हारे भैया कितने लेट लतीफ है। अरे इनके लेट के चक्कर में ना मैं लेट हो जाऊंगा। हाँ। सोनिया, उर्वशी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे ये तो मेरे इन-लॉज का घर है, लेकिन तुम यहाँ कैसे? मैं मार्केट जा रही थी, तुमको देखा तो रुक गई। तुमने शादी कर ली? हाँ। जिया जी कहाँ है? अच्छा ये है हमारे जिया जी। हेलो जिया जी। बहुत ही स्मार्ट हस्बैंड ढूंढा है। थैंक यू। और ये कौन है? ये अब ये इनके बड़े भाई है। ओ हेलो भैया। हेलो। अरे तुम आओ ना अंदर आओ। नहीं नहीं फिर कभी, आज शाम को ही मैं दिल्ली जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड का वही ट्रांसफर हो गया है। अच्छा ठीक। अभी नेक्स्ट टाइम जब भी आऊंगी तुमसे मिलकर जरूर जाऊंगी। पक्का पक्का। जिया जी मेरी सहेली का ख्याल रखना। चलो बाय। भैया चलो ना चलते हैं। सब तू चला जा, मैं बाद में डॉक्टर के पास चला जाऊंगा। अरे अभी तो आप रेडी थे ना। तू चला जाना, मैं बाद में चला जाऊंगा ना यार। चलो ठीक है जा रहा हूँ।
एक बात बताओ, तू तुम्हारी फ्रेंड ने अर्जुन को तुम्हारा हस्बैंड बोला, तुमने कुछ बोला क्यों नहीं? क्योंकि उसका पति बहुत स्मार्ट दिखता है और मैं नहीं चाहती थी कि आप उससे मिलो। अगर उसे पता चल जाता कि मेरा पति ऐसा दिखता है तो उसकी नजरों में मेरी क्या इज्जत रह जाती। अब वैसे भी वो दिल्ली जा रही है, पता नहीं कब आएगी, तब का तब देख लेंगे। बीपी बहुत बड़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल भी बहुत बड़ा हुआ है, इसका सीधा असर तुम्हारे हार्ट पे पड़ सकता है। देखो महेंद्र, तुम्हें अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना होगा और कम से कम 6-7 घंटे गहरी नींद की जरूरत है तुम्हें। नींद ही तो नहीं आती डॉक्टर साहब। देखो महेंद्र, टेंशन मत लो और ऐसा कोई काम मत करो कि जिससे तुम्हारी टेंशन बढ़ जाए। मैं तुम्हें कुछ दवाइयां लिख के देता हूं। कौन कौन है? मैं हूं सोनिया। हाँ भाभी, एक मिनट, खोल रहा हूं। तुम हमेशा अकेले क्यों रहते हो? हाँ नहीं, मतलब तुम्हारी कोई फ्रेंड, कोई गर्लफ्रेंड? हाँ अभी वो सब तो मुंबई में है, मैं हमेशा से हॉस्टल में रहा हूँ तो यहाँ ज्यादा दोस्त हैं नहीं मेरे। अच्छा, तो आज से हम दोस्त? दोस्त? चलो इस दोस्ती को सेलिब्रेट करते हैं। मतलब? बैठो बताता हूँ, बैठो ना। अच्छा, तो इसलिए कमरा बंद था। हा? मम्मी को मत बताना। ये अभी बनाया मैंने, ले लो। चीयर्स। चीयर्स। वैसे भाभी, तो अब तुम दोस्त है ना, तो मैं आपसे कुछ भी पूछ सकता हूँ? हाँ। मुझे ना एक बात समझ में नहीं आई, वो आपकी जब दोस्त आई थी तो आपने उसको मुझसे हस्बैंड कह के क्यों मिलवाया? तो और क्या करती? तुम्हारे भाई तो इस लायक नहीं है कि मैं उन्हें अपना पति कहकर अपनी फ्रेंड से मिलवाऊं। ऐसी गलती मेरी ही है, मैंने बहुत जल्दबाजी की शादी करने, लेकिन तुम्हारे भैया के चक्कर में मैं अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद करूंगी।
तुम मेरे बैग क्या है? क्या लिखा है इसमें? कुछ नहीं है, डॉक्टर शर्मा से बात हुई है मेरी, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। तुम इतना खास प्रॉब्लम नहीं है? क्या हुआ बहू, क्यों इतनी जोर जोर से चिल्ला रही हो तुम? ये रिपोर्ट्स देखिए, पढ़िए इसे। और तुम, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल इतना हाई है, तुम्हारा बीपी इतना हाई है और तुम बोल रहे कि कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो तुम मुझे बहुत जल्दी विधवा बना दोगे और मैं सफेद साड़ी में अच्छी नहीं लगूंगी। क्या बोलने जा रही हो बहू तुम? जुबान पर काबू रखो तुम। नहीं बोलूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन आप आपके बेटे को समझाइए, खुद पर नहीं तो मुझ पर रहम करें और अपने मोटापे को कम करें। जब इसने मुझसे शादी की तब भी मैं ऐसा ही तो था, तब इसे मेरे मोटापे से कोई प्रॉब्लम नहीं था। और आज अच्छा अच्छा चुप हो। देख, तुझे अपनी सेहत का ख्याल रखना है ना, तुझे रखना ही पड़ेगा बेटा। वो गलत नहीं बोल रही थी, सही बोल रही थी, मोटापा बहुत बुरा होता है ना? तो ठीक करेगा ना? हाँ तो थोड़ा टाइम तो दो ना मुझे। अरे जैसे ही मेरा काम लगेगा तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा यार। हाँ ठीक है ठीक ठीक। ये बात नहीं मानेंगे ना तो यही होगा। क्या हुआ, कौन सी बात नहीं मानी मैंने तुम्हारी? यहाँ सारी बात तो मानता हूँ। तुम्हारे भाई की बात कर रही हूँ, मेरी कोई बात नहीं मानते हो? अरे तो भाई को बाहर में जाने दो ना। मैं हूँ ना, मैं मानूंगा तुम्हारी सारी बात। बहुत मक्खन लगा रहे हो, क्या काम? छोटा सा काम है। बोल, तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार। थोड़े से पैसे चाहिए थे, तुम्हारे पास तो होंगे ना पैसे? मेरे पास कहाँ से आएंगे पैसे? अरे तो भैया से मांग लो ना। मैं तुम्हारे भैया के पास नहीं गिड़गिड़े होने वाली, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे भैया तो मांग लो। अरे मैं मांगूंगा तो 25 सवाल पूछेंगे मुझसे, बड़े भाई हो मेरे, पूछेंगे किधर दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्या काम है। और ये देखो, ये देखो, तुमको भी तो रात को चाहिए होगी ना, तो इसके लिए पैसे तो चाहिए। इसके लिए अगर पैसों की जरूरत है ना तो मैं कोई मदद नहीं करने वाली। आ, 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 क्या करूं, छोड़। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं करती तुम मदद। मुझे दो, तुम्हें छोड़ो मुझे। मुझे एक बात बताओ, रात को बहुत मजा आया था ना? पूरी वीडियो है मेरे पास। क्या? रुको दिखाई देता हूँ तुमको। वीडियो? कौन सी वीडियो? हाँ दिखाता हूँ। बनी तो बढ़िया है ना? मैं जानता था जो लड़की मेरे भोले भाले भाई की नहीं हो सकी वो मेरी कहां से होगी। जानता था एक दिन धोखा दोगी तुम, इसलिए तो ये वीडियो बनाया। कैसा लगा? हजार
अपना इंतजाम कर दो, डिलीट कर दूंगा। बहुत ही घटिया आदमी हो तुम। ये देखो अभी तक सोया है ये अर्जुन। ए बेटा अर्जुन, अर्जुन अर्जुन उठ जा बेटा, अर्जुन 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 अर्जुन। अर्जुन ये अर्जुन कब से ड्रग्स ले रहा है? हमें भी आज ही पता चला वो ड्रग्स लेता था और शराब पीता था। माँ जी आपको पता है इस बारे में? नहीं कुछ नहीं। पर आप क्या आप जानती हैं कि अर्जुन ड्रग्स लेता है? सब मुझे तो इस घर में आए हुए कुछ ही महीने हुए हैं और मेरी तो अर्जुन से ज्यादा बात भी नहीं होती थी। देखकर ऐसा लगता है कि केस ड्रग्स के ओवरडोज का है, क्योंकि रूम में ना ही कोई स्ट्रगल हुआ है और ना ही किसी चीज के निशान। फिर भी हम बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं, देखते हैं क्या सामने आता है। अर्जुन भी चला गया। मैं घर छोड़कर जा रही हूं, मुझे अभी यहां नहीं रहना। मुझे डिवोर्स दे दो और फिकर दो। बहू अभी अर्जुन की मौत का गम ताजा है और तुम डिवोर्स की बात कर रही हो, समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी बहू? जब इस घर में किसी को मेरी परवाह नहीं है तो मैं इस घर की इज्जत की परवाह क्यों करूं? मेरी बात सुनो, तुम्हें मेरे मोटेपन से शिकायत है ना, तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगा। तो ठीक है, तुम्हें मेरे साथ डॉक्टर शर्मा के यहाँ आना होगा। डॉक्टर शर्मा के यहाँ? वो मैं वहीं जाकर बताऊंगी। ठीक है, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। क्या हुआ डॉक्टर? महेंद्र का वजन कम नहीं हुआ है बल्कि 2 किलो और बढ़ गया है, और साथ ही और चीजें भी बढ़ गई है जैसे कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ब्लड प्रेशर। ऐसे में उनकी सर्जरी करना बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि सर्जरी अगर करेंगे तो उनके हार्ट पे प्रेशर आएगा और जान भी जा सकती है। डॉक्टर आप नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं? हाँ कुछ नहीं होगा इन्हें, आप बस मुझे इतना बताइए कि अगर ये सर्जरी सक्सेसफुल हुई तो ये दुबले तो हो जाएंगे ना? हाँ मोस्टली ऐसा होता है, अगर स्टमक में से फैट निकाल दिया जाए तो बॉडी में फर्क दिखाई पड़ता है। तो बस आप सर्जरी की तैयारी शुरू कीजिए और मुझे ये बताइए कि इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कब करना है। हाँ लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार हम सर्जरी नहीं कर सकते, बहुत बड़ा रिस्क है।
अरे डॉक्टर आप टेंशन मत लीजिए, इनकी सर्जरी कीजिए आप। वैसे भी ऐसे मोटापे से तो वो ना रहे, वही बेहतर है। कम से कम मैं तो फ्री हो जाऊंगी। अरे डॉक्टर इन्हें कुछ नहीं होगा, आप इनकी सर्जरी कीजिए। वैसे भी ऐसे मोटापे से तो अच्छा है कि ये ना रहे, वही बेहतर है। सर्जरी में कोई दिक्कत आ गई तो? अब चाहे जो हो सो हो, ये सर्जरी तो तुम्हें करवानी ही पड़ेगी, समझ गए ना? तुम्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ भी हो जाए। जब तुमने मुझसे शादी की थी तब तुम्हें पता नहीं था कि मैं कितना मोटा हूँ, और अब तुम्हें मेरे मोटापे से प्रॉब्लम होने लगी। इतनी प्रॉब्लम होने लगी कि तुम मेरी जान लेने पे तुल गए। क्या कर दिया तूने? क्यों मारा तूने सोनिया को? क्यों मारा? क्या हुआ था? तुमने अपने बीबी को क्यों मारा? मुझे पता चल गया था कि मेरी बीवी और मेरे भाई अर्जुन के नाजायज रिश्ते थे। बनी तो बढ़िया है ना? मैं जानता था जो लड़की मेरे सीधे साधे भाई की नहीं हो सकी वो मेरी की होगी। पचास हजार इंतजाम कर दो, डिलीट कर दूंगा। अर्जुन मेरी सोनिया को ब्लैकमेल कर रहा था और मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, इसलिए मैंने ही अपने भाई अर्जुन को ड्रग्स का ओवरडोज देके मार दिया। मेरा भाई होकर तूने मेरे ही पेट में छुरा भोंक दिया। मैंने क्या किया? तूने क्या किया? और जब सोनिया ने डॉक्टर से कहा कि मेरी सर्जरी किसी भी हालत में होनी चाहिए, भले ही मैं मर जाऊं उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसलिए गुस्से में अगर मैंने उसे भी मार दी। ले जाओ सर। मेरे बच्चे को एम्बुलेंस और फॉरेंसिक टीम भेजो फास्ट।